ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਦੋ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। दूसरी सिलाई आप पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। तीसरी सिलाई आप दूसरे कलर ना पावे। एक कलर दो सिलाइया पैनगियाँ। पहला कुंडा आप सीधा बुनेंगे, दूसरा कुंडा आप बिन बुने उतारेंगे। पूरी सिलाई के आप दो कुंडे रिपीट करेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक कुंडा बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक कुंडा बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक कुंडा बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक कुंडा बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक कुंडा बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक कुंडा बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक कुंडा बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक कुंडा बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक कुंडा बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक बिना बुने उतारेंगे। एक कुंडा सीधा बुनेंगे, एक बिना बुने उतारेंगे। तो लास्ट का कुंडा आप सीधा बुनेंगे। ये देखो जी अपने फर्स्ट वाला कुंडा भी बुनिया सी ते लास्ट वाला कुंडा भी बुने। चौथी सिलाई आप पूरी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। चार सिलाइयाँ अपनी कंप्लीट हो गई। पांचवी सिलाई पहले कलर ना बुनेंगे। पांचवी सिलाई आप पूरी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे।
सेमी सिलाई पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। सातवीं सिलाई आप दूसरे कलर ना बुनेंगे। सातवीं सिलाई है पंजवीं सिलाई की तरह बुनी जाऊगी। तो इस दे विच अपने पहला कुंडा बुनिया सी, पर इस सिलाई दे विच पहला कुंडा आप बिन बुनिया उतारांगे तो दूसरा कुंडा आप बुनेंगे। एक कुंडा बिना बुनिया उतारांगे, एक कुंडा बुनेंगे, पूरी सिलाई जी इस तरह रिपीट करांगे। ये देखो जी, इस सिलाई के बच्चे अपने पहला कुंडा भी बिन बुने उतारे तो लास्ट वाला कुंडा भी बिन बुने उतारे। जिहड़ी अपने को तीसरी सिलाई सी उहदे विच पहला कुंडा भी अपने बुनिया सी ते लास्ट वाला कुंडा भी बुनिया सी। अठवीं सिलाई पूरी सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। इन्हें अठ सिलाइया बार बार रिपीट करते जाओ तो एक शानदार डिजाइन तैयार करते जाओ। वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो जी। थैंक यू।